नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई कैबिनेट की पहली बैठक। राजभवन के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। पीएम के पद की दावेदारी से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम उम्मीद लगाएंगे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां पर हस्ताक्षर दी जाएंगी। एशिया कप के लिए टीम में चयन नहीं होने पर छलका ईशान किशन का दर्द। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। वो सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्यकृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, वशी और संस्कृति के चार अध्याय। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई पहली कैबिनेट की बैठक। बीते दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा शपथ ग्रहण के बाद महागठबंधन की नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक हुई। वहीं कैबिनेट की बैठक में 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। अब राज्यपाल को इससे संबंधित जानकारी भेज दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। इस सत्र के दौरान नीतीश कुमार अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना दी गई है, उस मामले में अब इसी सत्र के दौरान चर्चा होगी। बिहार से फिर रूठा मॉनसून। मौसम का मिजाज दो दिनों से बदला हुआ सा है। बिहार के दक्षिणी जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हवाओं की गति तेज होने की वजह से मौसम में ठंडापन महसूस किया गया, लेकिन आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मौसम विभाग पटना द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि पूरे प्रदेश में बारिश के होने की कोई आसार नहीं दिख रही है। यही नहीं, उत्तरी बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश नहीं होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के जिलों का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राजभवन के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। तेजस्वी यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने के बाद राजभवन के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थकों का जनसैलाब देखा गया। तेजस्वी यादव जब राजभवन से बाहर निकले तो समर्थकों के हुजूम ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को घेर लिया और उनके पक्ष में नारे लगाने लगे। तेजस्वी यादव ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, गाड़ी के रूफ टॉप को खोलकर बाहर निकले और सभी समर्थकों का आभार जताया। इस दौरान सभी समर्थक पूरे उत्साह से तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू राबड़ी जिंदाबाद जैसे नारे लगाते दिखे। तेजस्वी यादव लगभग एक मिनट तक बाहर रहे और समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। मालूम हो कि तेजस्वी यादव 22 नवंबर 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, जब नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। बीएसएफ ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के कुल मिलाकर 1312 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 फिजिक्स या केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स के साथ या फिर मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ संबंधित डिसिप्लिन में ITI पास होना जरूरी है। इसके साथ ही हाइट, वेट और चेस्ट की आवश्यक निर्धारित माप होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वरिष्ठ नेता का बयान, बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। बिहार की सियासत में पिछले दो दिनों से भारी फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ राजद और कांग्रेस सहित लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिहार में हुए इस घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र में बीते महीने हुए सियासी घमासान से करते हुए कहा कि बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है, न कैश पकड़ा गया,
ना ईडी की छापेमारी हुई, ना असम के सीएम की जरूरत पड़ी, ना रिजॉर्ट की, सब कुछ सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़ी पार्टी और अन्य दलों का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल किया, बिहार में उसे बेदखल कर दिया गया। एशिया कप के लिए टीम में चयन नहीं होने पर छलका ईशान किशन का दर्द। बिहार के ईशान किशन, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं, दरअसल उन्हें बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, लेकिन इस टीम में ईशान किशन को शामिल नहीं किया गया। इस बात का ईशान किशन को भी दुख है। टीम से बाहर होने के बाद ईशान किशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गाने के जरिए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि अब ऐसा बनना नहीं, भले घायल हो जाना, तुझे मूर्ख समझे कोई तो फायर हो जाना, इन सब आगे वालों की तरह ना गायब हो जाना। सीएम के पद की दावेदारी से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन से बाहर आने की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि नीतीश कुमार को पीएम के दावेदार बनने की चाहत थी, जो कि भाजपा के साथ रहते हुए कभी नहीं पूरी होती। यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमारे किसी भी पद के लिए कोई दावेदारी नहीं है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो 2014 में आए वो 2024 के बाद रह पाएंगे या नहीं, उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई होगी आसान, गूगल ने लॉन्च की नई वेबसाइट। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता की परेशानी अब बहुत हद तक कम होने वाली है। दरअसल गूगल ने अपने रीड अलॉन्ग एंड्रॉयड ऐप का एक ब्राउजर वर्जन जारी किया है। हालांकि वेबसाइट अभी भी बीटा में है, लेकिन वह अभी काम कर रहा है। साइट में कुछ अलग अलग रीडिंग लेवल पर सैकड़ों सचित्र कहानियां शामिल हैं। एक बार जब बच्चे कहानी चुन लेते हैं तो वो अपने डिवाइस के माइक्रोफोन में कहानी को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। शब्दों को पढ़ने के बाद उन्हें नीले रंग में हाईलाइट किया जाता है और गलत उच्चारण वाले शब्दों को लाल रंग में अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट दिया आपके लिए इसका सही उच्चारण करती है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा सब माफ है, बहू को बताया भाग्यशाली। कभी जदयू के धूर विरोधी कहे जाने वाले राजद आज एक साथ मिलकर सरकार बना ली है। कभी यही नीतीश कुमार राजद के लिए जहर लगते थे, लेकिन आज इन दोनों पार्टियों के भारत मिलाप से हर कोई दंग है। इसको लेकर जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची राबड़ी देवी ने 2017 में नीतीश कुमार द्वारा तोड़े गए गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में कहा सब माफ है, सब माफ। वहीं बीते दिन अपनी छोटी बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची राबड़ी देवी ने अपनी छोटी बहू भाग्यशाली बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बधाई दी है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि यह गठबंधन बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बक्सर के किले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बक्सर में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पग पग पर मौजूद है। इन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है बक्सर का किला, जिसका निर्माण बिहार के राजा भोजदेव ने करवाया था। हालांकि इस किले के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने खंगाले तो इसका जिक्र अवश्य मिलेगा। यह एक विशाल किला है जिसके विषय में शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता। समय के साथ साथ यह खंडरनुमा किला टूट टूट कर बिखरने पर है, लेकिन इसका महत्व आज भी बरकरार है। वर्तमान में किले के मैदान पर जनसभाओं और जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किले के बहुत से भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन किले के बहुत से भाग आज भी देखने लायक हैं। सुशील मोदी ने कहा कि हम उम्मीद लगाएंगे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां पर हस्ताक्षर दी जाएंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जदयू ने राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली है। अब जिसका इंतजार है वो लोगों को है तेजस्वी यादव द्वारा किए गए 10 लाख रोजगार के वादे का, जो कि तेजस्वी यादव सत्ता में रहकर करने वाले थे। इसकी मांग सबसे पहले सुशील मोदी ने ही उठा दी है। नई सरकार पर आग बबूला सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में अब रोजगार की कमी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है। अब जैसा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरियां पर हस्ताक्षर दी जाएंगी, हमारी मांग है कि अब तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करें। जब मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हो, मैं उम्मीद लगाऊंगा कि तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करेंगे। आज से जन शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दक्षिण पूर्व रेलवे के कोटशिला राजा बेड़ा रेलखंड के तुपकाडीह और राजा बेड़ा स्टेशनों के मध्य रेल अवसंरचना से जुड़े कार्य को मद्देनजर
रखते हुए 8 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इस वजह से पूर्व मध्य रेल से खुलने और गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन रूट बदल दिया गया है। CPRO ने बताया कि 11 अगस्त को रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वहीं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन दूसरे मार्ग से की जा रही है। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है, आप विस्तृत जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। खुलकर मुस्कुराए लालू प्रसाद यादव। बिहार में बनी नई सरकार से सबसे ज्यादा खुशी का माहौल राजद परिवार में है। इसकी झलक लालू परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर दिख रही है। वहीं लालू यादव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों नहीं, लगभग 5 साल बाद दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। वहीं राजद सुप्रीमो की पुत्री रोहिणी आचार्य ने पिता का वीडियो शेयर किया है, जिसमें लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वे एक कार्ड को देख रहे हैं जिस पर ऊपर लिखा है जल्दी ठीक हो जाओ, बीच में दिल की तस्वीर लगाई गई है, नीचे लिखा है प्लीज कम टू सिंगापुर। काले रंग का फुल टी शर्ट पहने लालू कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि उनके बाएं हाथ में स्लाइन का इंट्रा कैथ लगा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर पुरानी मुस्कान समर्थकों को सुकून देने वाली है। सत्ता परिवर्तन के बीच नेहा सिंह राठौर ने लाया बिहार में गाबा सीजन 2। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल NDA में हुई टूट और महागठबंधन की बनी नई सरकार पर नेहा सिंह राठौर बिहार में गाबा सीजन 2 लेकर आई हैं। नेहा सिंह राठौर ने अपने इस नए व्यंग्य गीत से नेहा ने बिहार की राजनीतिक हालत पर तंज कसा है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के पहले गाए इस गीत की शुरुआत चचा जी इस्तीफा दिल्ली से होती है। इस गीत में नेहा ने नीतीश कुमार को चाचा बताया तो वही तेजस्वी यादव को भतीजा बताया है। चाचा भतीजे का प्रेम देख भौचकी रह गई सभी की आंखें। पिछले 2 दिनों से देश भर की निगाहें बिहार के सियासी गलियारों पर टिकी हुई है। कभी नीतीश कुमार को देश भर में सबसे घटिया सीएम बताना, कभी शर्मिला सीएम बताकर अपमानित करना, और आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को देश भर में सबसे अनुभवी सीएम बताकर सम्मान की चादर उढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही नहीं, बीते दिन तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण ली। इसके बाद नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों ने एक दूसरे के गले भी लगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का इस तरह का चाचा भतीजे वाला प्रेम भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे नीतीश बने मुख्यमंत्री। आज भले ही 16 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तत्कालीन समता पार्टी के प्रमुख नेताओं जॉर्ज फर्नांडिस, प्रभुनाथ सिंह आदि ने नीतीश के सीएम बनने का विरोध किया था। इसका खुलासा सुशील कुमार मोदी ने किया है। सुशील मोदी ने बीते दिन इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि समता पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद भी उन्होंने भाजपा आलाकमान को नीतीश के नाम पर राजी किया। उसके बाद ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने 2010 तक बिहार में पहली बार लगातार 5 साल तक सरकार चलाई। भाजपा के उपकार के बाद भी नीतीश ने भाजपा को धोखा दिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्रियों ने नेम प्लेट पर चिपकाया सफेद कागज। बीजेपी से मोह भंग होने के बाद जदयू ने RJD, कांग्रेस, वाम दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर कुल 164 विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बना ली। वहीं अब बहुत जल्द 24 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार होगा। इस दौरान बीते दिन देखा गया कि शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी के कई मंत्रियों ने कागज पर पूर्व लिख कर बोर्ड पर चस्पा कर दिया है, तो किसी ने सफेद कागज लगाकर अपने पद को अब छुपा दिया है। वहीं खबर लिखे जाने तक कई मंत्रियों के यहाँ अभी बोर्ड लगा ही था, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर पद को पेपर चस्पा कर छुपा दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा नौजवान को अगर मंत्री पद नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। बीते दिन तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान के सामने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद तेज प्रताप यादव के भी खुशी के ठिकाने नहीं है। इन सबके बीच तेज प्रताप यादव का एक अलग ही स्वैग है। महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनने के एक सवाल पर तेज प्रताप यादव ने मजेदार जवाब दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार के नौजवानों, गरीबों और वंचितों की सरकार है। तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है। हम लोग युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, इसलिए महागठबंधन की सरकार में नौजवान ही मंत्री बनेंगे। उन्होंने खुद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर हंसते हुए कहा कि नौजवान को अगर मंत्री पद नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। ललन सिंह ने मोदी और शाह पर बोला जोरदार हमला। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर बीते दिन जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर भाजपा को षड्यंत्रकारी बताया है। बीते दिन बुधवार को भाजपा पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि अब भाजपा अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं रही है जो 1996 से सभी दलों को साथ लेकर चलती थी। मौजूदा भाजपा ऐसी है जो अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों को तोड़ लेती है। वहां 7 में से 6 जदयू के विधायक तोड़े गए, क्या यही गठबंधन धर्म था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में शासन करने का भाजपा को जनमत दिया, लेकिन पूरे देश में भाजपा आज तनाव पैदा कर रही है। तनाव पैदा करके शासन नहीं चलता। मुकेश सहनी ने नीतीश तेजस्वी को बधाई देते हुए कही ये बात। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद खुद को निषाद पुत्र कहने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी नीतीश तेजस्वी को बधाई देने से नहीं रुके। सहनी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अनुभवी और युवा की जोड़ी बताते हुए कहा कि आज देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें सभी विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। आज इन दोनों नेताओं ने देश के विपक्षी दलों को राह दिखाई है। मुकेश सहनी ने दोनों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त किया है कि आपके नेतृत्व में अब बिहार विकास के पथ पर सरपट दौड़ेगा। चिराग ने तेजस्वी को दी बधाई तो नीतीश कुमार पर कसा तंज। तेजस्वी यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करने के बाद रालोसपा अध्यक्ष ने उन्हें बधाई दी है, तो वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव आपको ढेरों शुभकामनाएं। बिहार आपसे विकास की उम्मीद रखता है। आपके नए सहयोगी से अभी तक बिहारवासियों को विकास में निराशा ही प्राप्त हुई है। आपको एक बार पुनः बधाई। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 को फांसी दी गई। दादर नगर हवेली का भारत में 1961 को विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पश्चिम भारतीय क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म 1892 को हुआ था। भारतीय संगीत के जगत के ऐसे मनीषी लालमणि मिश्र का जन्म 1924 को हुआ था। लघु कथा लेखक मलयाली भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक जॉन अब्राहम का जन्म 1937 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बाराव का जन्म 1949 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 1954 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एमवी नरसिम्हा राव का जन्म 1954 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन का जन्म 1974 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस को फांसी 1908 को दी गई थी। हिंदू के प्रसिद्ध पत्रकार समीक्षक साहित्यकार आलोचक तथा संपादक नंद दुलारे वाजपेयी का निधन 1967 को हुआ था। दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को एम्स में कराया गया एडमिट। बीते दिन मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव को राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करते समय दिल का दौरा पड़ा। बताया जा रहा है कि वह ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय जोर से नीचे गिर गए, इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है। इस खबर की पुष्टि उनके भाई और पीआर ने की है। बिहार में मिले कोविड-19 के 200 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 158 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 979 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया और औरंगाबाद में 6, बांका में 1, भागलपुर में 2, दरभंगा और ईस्ट चंपारण में 3, गया में 6, गोपालगंज में 4, जमुई में 1, किशनगंज और लखीसराय में 1, मुंगेर में 7, मधुबनी में 10, नालंदा में 1, पटना में 63, पूर्णिया में 6, रोहतास में 5, सहरसा में 1, शेखपुरा सीतामढ़ी में 1, सिवान में 3, सुपौल में 14, वैशाली में 2, पश्चिमी चंपारण में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 53,409 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 173 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अतीक खान, शंकर मुखिया, नुनू कुमार, अंकित राज, गुड़िया कुमारी, लक्ष्मी मेहता, राजकुमार प्रसाद, सियाराम पासवान, अजीत कुमार, रवि शंकर, ऋतिक राज, औरंगजेब अंसारी और अंशु कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस नई गठबंधन की सरकार पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।